तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर। देखो प्रीवियस क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी इनडायरेक्ट मेथड में मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की, कि भाई हमारे पास में इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं जिनका यूज़ करके हम डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो ज़रूर समझ में आए होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, इतना कोई खास काम उनके अंदर करना है नहीं, आप लोग बना लोगे अपना आराम से बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे पास में बचते हैं बेटा लास्ट के दो टॉपिक, ये हमारे बिल्कुल लास्ट के दो टॉपिक हैं और इन्हें करने के बाद में आप ये समझिए कि यूनिट मेजरमेंट और एरर का जो चैप्टर है वो हमारा हो जाएगा फिनिश, ठीक है। चलिए हम लास्ट के दो टॉपिक देखते हैं क्या है। तो बेटा लास्ट के दो टॉपिक हैं हमारे पास में, लिखेंगे हम लोग अपनी कॉपी में मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस और साइज विद द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मैथड, यानी इनडायरेक्ट मैथड का यूज करके यहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करेंगे। भाई अभी तक तो हमने इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज को मापा, जैसे कि इको का यूज़ करके हमने किसी हिल की हमसे लेकर हिल तक की डिस्टेंस कितनी है उसे हमने मेज़र किया, लेज़र का यूज़ करके बड़ी डिस्टेंस को मापा, रडार और सोनार का यूज़ करके भी हमने बड़ी डिस्टेंस को मापा, और सबसे बड़ी डिस्टेंस को मापा हम लोगों ने कौन से मेथड का यूज़ करके, पैरालेक्स मेथड का यूज़ करके। वहाँ हमने मापा दो स्टार के बीच की डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, ये सब हमने कैलकुलेट की बेटा पैरालेक्स मेथड पे। अब समय आ गया है छोटी डिस्टेंसेस को मापने का। देखो बहुत छोटी जो डिस्टेंस होती है ना, मान लीजिए आपके हेयर की मोटाई हमें मापनी है, आपके बाल की मोटाई हम लोगों को मापनी है। अब वो मोटाई इतनी कम होती है कि उसे किसी भी डिवाइस से मापा नहीं जा सकता है। हेयर सैंपल की थिकनेस को आप किसी भी डिवाइस से मेज़र कर ही नहीं सकते हो बेटा, ठीक है। या हम इससे भी अंदर पहुंच जाते हैं, इसके अंदर यानी हमें मॉलिक्यूल का साइज मेज़र करना है कितना होगा, हमें एटम का साइज मापना है कितना होगा, हमें इलेक्ट्रॉन का साइज मापना है कितना होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, यानी जब हम डिस्टेंसेज को मेज़र करते हैं बहुत छोटे लेवल पर, तब भी हम कुछ इनडायरेक्ट मैथड का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड का जो नाम है हमारे पास में वो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर बेटा, सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड का जो नाम है हमारे पास में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इसका नाम है बेटा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। अब देखो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बेसिकली है क्या, कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है, क्या है ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जरा जानते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेट करता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये ऑब्जेक्ट लेट किया, तो आप कहोगे कि सर हर एक ऑब्जेक्ट, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बना होता है, हम भी इस बात को कहेंगे कि भाई बिल्कुल ठीक है ये बात। अब मान लीजिए कि मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट भी बेटा बना होगा मॉलिक्यूल से मिलकर, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मान लेते हैं कि जो कैपिटल वी है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। और जो वी डैश है, वो है
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास में इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो है कैपिटल वी, और ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको जिस पर ये मैं पिंक कलर की शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये वाले मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, इन मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, जो इन्होंने वॉल्यूम भर रखा है वो है हमारे पास में वी डैश। इन मॉलिक्यूल ने इतना वॉल्यूम कवर कर रखा है बेटा, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैपिटल वी है, और जो वॉल्यूम इन मॉलिक्यूल ने कवर किया हुआ है, जो वॉल्यूम इन मॉलिक्यूल ने फिल किया हुआ है वो है वी डैश। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये कहती है कि मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है ना बेटा, वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 है, टोटल वॉल्यूम का 2/3 है। मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 है, यानी अगर इस पूरे सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम 100% है बेटा, तो मॉलिक्यूल ने सिर्फ 66% को ही फिल किया हुआ है, बाकी का 34% दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला जो गैप दिख रहा है ना दो मॉलिक्यूल के बीच में, इस गैप में वेस्ट हो जा रहा है बेटा। क्या हो जा रहा है? वेस्ट, यानी अगर पूरे सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम 100% है तो सिर्फ 66% वॉल्यूम ही मॉलिक्यूल ने फिल किया हुआ है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर गैप होता है ना बेटा, जिसे हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर गैप बोलते हैं, 34% वॉल्यूम उस इंटर मॉलिक्यूलर गैप में वेस्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वेस्ट हो जा रहा है। तो ये कंडीशन हमारे पास में निकल कर आएगी, वी डैश इज इक्वल टू 2/3 इंटू वी, यानी वी डैश है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, और वी है हमारे पास में टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। यानी अगर आपको कोई कंटेनर पानी से लबालब भरा हुआ दिखाई देता है ना, बिल्कुल ऊपर तक कोई कंटेनर पानी से भरा हुआ आपको दिखाई देता है, तो आप ये कहोगे कि साइंटिफिकली ये कंटेनर पूरा भरा हुआ नहीं है, साइंटिफिकली ये कंटेनर पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में वॉल्यूम वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें, अगर कोई कंटेनर पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ ये कंटेनर साइंटिफिकली 66% भरा हुआ है, 34% जो वॉल्यूम है, भले ही वो वॉल्यूम हमें ना दिख रहा हो ऊपर से, देखने पर ये लग रहा हो कि पूरा कंटेनर भरा हुआ है, लेकिन 34% वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में वेस्ट हो जाता है बेटा। ये कंसेप्ट है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा, लिखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस द टोटल वॉल्यूम According to Avogadro hypothesis, the total volume occupied by the molecules, is the two by third of टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज द 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक बार और लिख लो अपनी कॉपी में, देख लो कुछ मिस तो नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, द टोटल वॉल्यूम occupied by the molecules is the 2/3 of, is the 2/3 of, is the 2/3 of
टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन हमारे पास में रहने वाली है बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और कोई परेशानी यहाँ तक ना हो। आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का 100% वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल सिर्फ 66% वॉल्यूम को ही फिल करेंगे। 34% वॉल्यूम यानी 1/3 वॉल्यूम, 1/3 वॉल्यूम वेस्ट चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा? वेस्ट। अब हम बनाते हैं डेरिवेशन, ठीक है बेटा। देखो अब हम बनाते हैं डेरिवेशन, हम बनाते हैं एक्सप्रेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सप्रेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा हमें मान लो कि ये दे रखा है सब्सटेंस, समझ रहे हो आप लोग, और इसके अंदर है हमारे पास में ये, इसके अंदर ये है मॉलिक्यूल बेटा, ये मॉलिक्यूल है, हमने इतना पोर्शन कट कर लिया सब्सटेंस का, ठीक है। ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये इसके अंदर मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर मॉलिक्यूल है। हमने माना बेटा एक मॉलिक्यूल का जो साइज आपको दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो स्मॉल आर है आपके पास में, एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो है स्मॉल आर। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज द 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। देखो बेटा मॉलिक्यूल ने जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 है। अब देखो हम वी डैश को लिख क्या सकते हैं बेटा, ध्यान से बिल्कुल भाई। वी डैश क्या है? वी डैश है कि मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है। मैंने माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं एन, यहाँ पर एन मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इतना है 4/3 πr³। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे बेटा। वी डैश का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम कवर किया है। अब एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो इतना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास में एन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट में, वो होता है बेटा ये। मोल कॉन्सेप्ट में हम स्मॉल एन का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये स्मॉल एन का फॉर्मूला है और साथ ये सॉरी कैपिटल एन का फॉर्मूला है हमारे पास में और साथ में है 4/3 πr³। देखो बेटा कैसे लिखा मैंने, कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैपिटल एन का मतलब क्या है? कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमें 11th क्लास केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट में सिखाई जाती है बात। तो आगे से अगर फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका है कि सब्सटेंस के मास को, पूरे सब्सटेंस के मास को सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। भाई मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता ही है आप लोगों से, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में हमने बहुत मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए। और एवोगैड्रो नंबर का भी सुना होगा आप लोगों ने, एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 6.023 × 10³। ये इसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास में, साथ में हो गया ये, यानी ये हमारी वी डैश की वैल्यू है। अब आते हैं हम कैपिटल वी पर, देखते हैं कि कैपिटल वी की वैल्यू क्या होगी। बेटा कैपिटल वी का मतलब है टोटल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। कैपिटल वी का जो मतलब है ना बेटा वो है टोटल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। टोटल वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। बस अब आप लोगों को एक काम करना है,
वी डैश की जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ रखनी है और जो वी की वैल्यू है वो यहाँ रखनी है। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो सबने पढ़ा होगा यार, वहीं से बना दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। दोनों की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट करो। अब जैसे ही दोनों की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करेंगे, देखो बेटा क्या रिजल्ट बनेगा। यहाँ रख के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, v डैश की वैल्यू हो गई है हमारे पास में स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया है 2/3 मास अपॉन डेंसिटी, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। देखो भाई, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 4 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू बनी हमारे पास में, भाई यहाँ से वैल्यू बनी r टू द पावर 3 इज इक्वल टू, r टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, कैपिटल M चला जाएगा यहाँ पर, कैपिटल M पहुँच गया यहाँ पर, यहाँ बच रहा है 2 और पाई, 2 पाई एन नॉट डी, 2 पाई एन नॉट डी, और इसके ऊपर से हम 3 हटाएंगे ना बेटा, यहाँ से हम 3 हटाएंगे तो ये लग जाएगा होल पावर 1/3, होल पावर 1/3। तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है, और इसे हमने निकाला है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज़ करते हुए। किसी भी मॉलिक्यूल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में ये है और इसे हमने कैलकुलेट किया है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज़ करते हुए। यार देखो, मतलब मैं ना संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक पूरी बात आप लोगों को मैं समझा ना दूँ। तो आप लोगों को भले ही लगता होगा कि यार सर मूर्ख हैं, कितनी बार रिपीट करते रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को ना सीख लें। मतलब मुझे कोई शौक नहीं है यार इतनी बार रिपीट करने का, मैं इसलिए सिर्फ इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोग समझ जाएँ उस बात को, यानी इस तरीके से समझ जाएँ कि आपकी मेमोरी के अंदर कम्प्लीटली स्टोर हो जाए वो बात बढ़िया करके। पहले आप ये बताइए कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। टोटल वॉल्यूम है हमारे पास में कैपिटल वी, और मॉलिक्यूल, खाली मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम कवर करके रखा हुआ है वो है वी डैश। तो मॉलिक्यूल हमेशा टोटल वॉल्यूम का 2/3 ही कवर करते हैं, 1/3 वेस्ट चला जाता है इस गैप में, इस गैप में हमेशा 1/3 वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का वेस्ट चला जाता है, वेस्ट चला जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब वी डैश को हम लिख सकते हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये है। कैपिटल वी को हम ये लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट की, जो भी कैलकुलेट हुआ, जो भी कैंसिल आउट हुआ उसे कैंसिल आउट किया, और ये निकल कर आ गई हमारी रेडियस, कि एक मॉलिक्यूल की जो रेडियस रहने वाली है ना बेटा वो इतनी रहने वाली है। इस तरीके से मॉलिक्यूल के साइज को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और ये आपका पहला मेथड है जिसका नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी बात, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, कम से कम 3 से 4 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाकर कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर आपका कंसेप्ट कहीं अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। चलिए बेटा, अब समय आ गया है दूसरा मेथड पढ़ने का। देखिए दूसरा मेथड क्या है बेटा हमारे पास में, अब हम जानते हैं सेकंड मेथड के बारे में। देखो भैया सेकंड मेथड क्या है अपने पास में, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। सेकंड मेथड है हमारे पास में एस्टिमेटिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास में एस्टिमेटिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। हमें ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को कैलकुलेट करना है बेटा। एस्टिमेटिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, हमें ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें इसमें लिखना पड़ेगा बेटा, मतलब कुछ थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे,
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखो, ये पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। बिल्कुल, पॉइंट नंबर वन पहले आप ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से। उसके बाद में है आपका पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में है ये, डिजॉल्व 1 cm³ ऑफ ऑलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 20 cm³। टेक 1 cm³ ऑफ अबव सोल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 20 cm³ यूजिंग एल्कोहल। ठीक है, लिख लीजिए बेटा अच्छे तरीके से। बिल्कुल, मैं पूरा आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए पहले अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके ना आप लोग अपना अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करेगा। देखिए स्टूडेंट, काम कैसे करेगा, तो बेटा हमारे पास में जो टॉपिक है वो ये है, एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है, हमें ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को कैलकुलेट करना है। बहुत आसान, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेप नंबर वन क्या होगा। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास में ये रहेगा कि हमें 1 cm³, ध्यान से बेटा, 1 cm³ ऑलिक एसिड को हमें 20 cm³ एल्कोहल C2H5OH के अंदर मिला देना है। आसान शब्दों में कहें तो आपको ऑलिक एसिड की लेनी है सिंगल ड्रॉप, ऑलिक एसिड की एक ड्रॉप आपको लेनी है बेटा, ठीक है, और उस ड्रॉप को 20 ड्रॉप एल्कोहल में आपको डिसॉल्व कर देना है। या आप ये डेटा भी ले सकते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, 1 cm³ लेना है आपको ऑलिक एसिड, इतना ऑलिक एसिड लेना है, और इतना ऑलिक एसिड लेकर इतने सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में आपको मिला देना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने एल्कोहल में ऑलिक एसिड को मिला दिया, और जैसे ही हमने एल्कोहल में ऑलिक एसिड को मिलाया, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है किस किस का, ऑलिक एसिड का और एल्कोहल का। 1 cm³ ऑलिक एसिड में हमने 20 cm³ एल्कोहल मिला दिया है बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अगला स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ठीक है बेटा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर से, इसके अंदर से हमने अगेन दोबारा से 1 cm³ सॉल्यूशन हमने उठाया बेटा। ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है ना ऑलिक एसिड और एल्कोहल का, इस सॉल्यूशन के अंदर से 1 cm³ हमने उठाया, और इसे उठाकर हमने दोबारा से 20 cm³ एल्कोहल यानी C2H5OH के अंदर हमने डाल दिया। देखो बेटा, ध्यान से समझने वाली बात है बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले 1 cm³ हमने ऑलिक एसिड लिया, 20 cm³ हमने एल्कोहल लिया, ऑलिक एसिड को हमने डाल दिया एल्कोहल में, तैयार हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर से मैंने 1 cm³ उठाया, और इस 1 cm³ सॉल्यूशन को दोबारा से एल्कोहल में मिला दिया, मैंने दोबारा से 20 cm³ एल्कोहल में मिला दिया, तो ये तैयार हो गया मेरा दूसरा सॉल्यूशन। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन तैयार हो गया बेटा, ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ठीक है, तो देखो इस सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड कितना था, 1, समझ में आ रही बात, और एल्कोहल कितना था, 20। तो इस सॉल्यूशन की जो ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी वो थी 1/20, क्योंकि एक पार्ट है ऑलिक एसिड का और 20 पार्ट है एल्कोहल के, तो इसकी कंसंट्रेशन है 1/20। इस नए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, देखो बेटा, इस नए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1/20। देखो
मैंने 1/20 को उठाया, यानी ये जो सोल्यूशन मेरा तैयार हुआ है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा यह है 1/20, इस 1/20 को उठाया और उठाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में दोबारा से मिला दिया, तो नए सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है ये 1/20 × 20। ये जो नया सोल्यूशन हमारे पास में तैयार हुआ है बेटा, इस नए सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है ये। पहले ये दो स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। पहले ये जान लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। भैया हम कर रहे हैं, हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की थिकनेस या उसके साइज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलिक एसिड जो होता है ना, उसके मॉलिक्यूल की थिकनेस को या साइज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारे पास में ये है कि हमने इतना ऑलिक एसिड उठाया और इतना एल्कोहल उठाया और दोनों को आपस में मिला दिया। जब ये सोल्यूशन तैयार हो गया तो इस सोल्यूशन के अंदर से 1 cm³ सोल्यूशन मैंने उठाया और दोबारा से एल्कोहल के अंदर डाल दिया, तो ये मेरा दूसरा सोल्यूशन तैयार हो गया। इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1/20 और इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1/20 × 20, यानी 1/400। इस नए सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है 1/400। समझ आ रही है बेटा बात? अब हमने क्या किया कि ये जो नया सोल्यूशन तैयार हुआ है, इस नए सोल्यूशन को हमने इस तरीके से ट्यूब के अंदर डाल दिया। हमने पिटॉट ट्यूब हम लोग इसे बोलते हैं, हमने इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। ये जो नया सोल्यूशन हमारा तैयार हुआ है ना बेटा, इस सोल्यूशन को हमने इस ट्यूब के अंदर डाल दिया कुछ ऐसे। इस नए सोल्यूशन को हमने ऐसे ट्यूब के अंदर डाल दिया और ट्यूब के अंदर डालने के बाद हमने ली है ग्लास प्लेट ऐसे। ये हमारे पास में ना ग्लास प्लेट है बेटा, ग्लास प्लेट कांच की प्लेट है। सबसे पहले हमने ग्लास की प्लेट पर पानी से स्प्रे किया, वाटर से स्प्रे किया, पानी का स्प्रे कर दिया मैंने ग्लास प्लेट के ऊपर। फिर एक पाउडर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, वो पाउडर को हमने इसके ऊपर डाल दिया। सबसे पहले इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने वाटर से स्प्रे किया, पानी से स्प्रे करने के बाद हमने पूरी ग्लास की प्लेट के ऊपर एक पाउडर डाल दिया है जिसका नाम है लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। और इस पाउडर को डालने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, इस पाउडर को डालने के बाद ये जो ट्यूब के अंदर ये सोल्यूशन मैंने भरा था, इस ट्यूब के अंदर से बूंद बूंद करके ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके मैंने इस सोल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर से ड्रॉप ड्रॉप करके इस सोल्यूशन को मैंने इस प्लेट के ऊपर डाला। जैसे ही ये सोल्यूशन प्लेट के ऊपर डलेगा तो ये इस तरीके से ऐसे बेटा, ध्यान से, इस तरीके से ऐसे मार्क बना लेगा। जैसे ही ये सोल्यूशन इस ग्लास प्लेट के ऊपर डलेगा तुरंत ये इस तरीके की स्ट्रिप बना लेगा, एक इस तरीके की एक शीट बना लेगा। शीट, इस शीट की जो थिकनेस होगी वो होगी टी। शीट की जो थिकनेस होगी यानी जो इसकी मोटाई होगी, ये जो ये बन गया है ना बेटा मार्क, इसकी जो थिकनेस, इसकी जो मोटाई है वो टी है और इसका जो एरिया है वो ए है। तो पहले इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, लिखवा मैंने दी हैं सभी बातें, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखवा दिए हैं क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, सिलेबस में है तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप सुन लीजिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा कि 1 cm³ ऑलिक एसिड को हमने एल्कोहल में डाला और ये कर दिया हमने सोल्यूशन तैयार। जो भी इसका घोल तैयार हुआ, जो भी इसका सोल्यूशन तैयार हुआ, इस सोल्यूशन के अंदर से दोबारा से हमने 1 cm³ निकाला और दोबारा से 20 cm³ एल्कोहल में डाल दिया, तो नया सोल्यूशन तैयार हो गया। पुराने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1/20, नए सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1/400। ये जो नया सोल्यूशन तैयार हुआ है ना बेटा, हमने भर दिया है इसे एक ट्यूब में, हमने इसे एक ट्यूब के अंदर भर दिया है। फिर हमने ली एक ग्लास की प्लेट और ग्लास की प्लेट के ऊपर हमने पानी से स्प्रे किया, वाटर से किया, ग्लास की प्लेट के ऊपर हमने स्प्रे। उसके बाद हमने उसके ऊपर डाला लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। और ये जो ट्यूब को हमने सोल्यूशन से भरा था ना बेटा, इस ट्यूब के अंदर से बूंद बूंद करके, जो भी सोल्यूशन मैंने इसके अंदर भरा था, उस सोल्यूशन को बूंद बूंद करके हमने इस ग्लास प्लेट के ऊपर डाला।
जैसे ही वो सॉल्यूशन ग्लास प्लेट के ऊपर गिरा तो यहाँ ऐसे सर्कुलर शेप के अंदर मार्क बन गए बेटा, सर्कुलर शेप के अंदर ना मार्क बन गए। अब देखो डेरिवेशन क्या है हमारी, ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन क्या है, यह है हमारे पास में ग्लास प्लेट, ठीक है, यह है हमारे पास में वो ट्यूब, ट्यूब के अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ से हमने ड्रॉप ड्रॉप करके डाला तो ये ऐसे मार्क बन गया बेटा। जो टी है वो है इसकी थिकनेस, देखो ध्यान रखिएगा टी इसकी थिकनेस है और कैपिटल ए है बेटा इसका एरिया, कैपिटल ए है एरिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने इस ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन भर रखा है उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, ध्यान से उस सॉल्यूशन की जो ऑलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये जो मार्क बनेंगे ना ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड के बनेंगे बेटा, ये जो मार्क बनेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड के बनेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा भाई, यहाँ से कितनी ड्रॉप्स आई, एन ड्रॉप्स आई, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है वी, और एक ड्रॉप में ऑलिक एसिड की इतनी कंसंट्रेशन है। बेटा ध्यान से बात समझनी है, इस ट्यूब के अंदर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इस सॉल्यूशन में अल्कोहल भी है और मेजॉरिटी में तो अल्कोहल ही है और बहुत कम ऑलिक एसिड है हमारा। यहाँ से ये जो ड्रॉप्स निकली हैं ये एन ड्रॉप्स निकली हैं और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है इतना, तो टोटल वॉल्यूम हो गया इतना, दिस इज टोटल वॉल्यूम, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स, टोटल वॉल्यूम हो चुका है बेटा हमारा एन वी, समझ में आ रही बात आप लोगों को, इतना वॉल्यूम हो चुका है हमारा टोटल। अगर इस टोटल वॉल्यूम को हमें ऑलिक एसिड के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है 1/400, समझ रहे हो आप लोग, और एल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या है, 1 में से 1/400 को माइनस करेंगे तो हमारी एल्कोहल की कंसंट्रेशन निकल जाएगी 399/400, समझ आ रही बात। अब ये जो मार्क बन रहा है ना सर्कुलर मार्क, ये मार्क ऑलिक एसिड की वजह से बन रहा है और ये जो ड्रॉप के अंदर से ये सॉल्यूशन यहाँ गिर रहा है, इस सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड भी है और एल्कोहल भी है, हमें सिर्फ ऑलिक एसिड चाहिए, यहाँ से गिरने वाला हमें सिर्फ ऑलिक एसिड चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास में इतना, टोटल वॉल्यूम है इतना ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमने ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम, ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम आया और यही वॉल्यूम इस शीट की वॉल्यूम के बराबर होगा। देखो इस शीट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस शीट का एरिया है ए और थिकनेस है टी, ये जो शीट आपको दिख रही है ना बेटा, ये जो शीट आपको दिख रही है इसका एरिया कितना है ए और इसकी मोटाई कितनी है टी, तो एरिया की मल्टीप्लाई थिकनेस से करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा और ये बनी हुई है सिर्फ ऑलिक एसिड से और ये भी सिर्फ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है, तो दोनों को हमने रख दिया है बराबर, दोनों को हमने इक्वल रख दिया बेटा आपस में। तो अब आप देख लो कि थिकनेस हमारी यहाँ से क्या निकल कर आएगी, थिकनेस हमारी बन जाएगी एन वी अपॉन 400 इंटू एरिया। लो बेटा ये हमारी थिकनेस निकल कर आएगी इस ऑलिक एसिड के, ये जो स्ट्रिप यहाँ बन रही है या आप इसे मॉलिक्यूल कह लो, इसकी जो थिकनेस निकल कर आएगी वो हमारी इतनी निकल कर आएगी, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब भैया उम्मीद है कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट। अब आप ये समझिए कि इस टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास में आप लोगों को बताने के लिए, ये पूरा चैप्टर हम लोगों का हो गया है बेटा फिनिश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस तो बहुत करा दिए हैं इसके अंदर, अब आप लोगों को डेली मिलेंगी दो वीडियोस बेटा, अब आप लोगों को डेली दो वीडियोस मिलेंगी, एक तो आपकी रेगुलर वीडियो जो रेगुलर क्लास आपकी चल ही रही है वो आपको मिलेगी,
एक आपको 10 से 15 मिनट NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के, जो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर है उसके सल्यूशन की वीडियो मिलेगी बेटा, उसके क्वेश्चंस के सल्यूशन की आप लोगों को वीडियो मिलेगी, जिससे हमारी NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पे बहुत शानदार कमांड बन जाए। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं आप क्लास के अंदर करा ही रहा हूँ। तो कल से आपको दो वीडियो मिलनी स्टार्ट होगी, एक NCERT के सॉल्यूशंस की और आपकी एक रेगुलर वीडियो। तो रेगुलर वीडियो में तो हम कल करेंगे बेटा नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है वेक्टर। हम लोग कल से वेक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जो आपको 10 या 15 मिनट की वीडियो मिलेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे NCERT के सॉल्यूशंस को, हम उसमें NCERT के सॉल्यूशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके, आज हम लोगों ने बात की है बेटा दो टॉपिक की। एक में हमने बताया है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, एक में हमने डिस्कस किया है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, और दूसरे में हमने डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑलिक एसिड के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने ये सॉल्यूशन बनाया, फिर इसके अंदर से इतना निकाल कर फिर दूसरा सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको ट्यूब के अंदर डाला, और ट्यूब के अंदर डालकर एक ग्लास की प्लेट ली जिस पर वाटर का स्प्रे किया, लाइकोपोडियम पाउडर डाला, और फिर यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके हमने इस सॉल्यूशन को इस प्लेट पर डाला। जैसे ही सॉल्यूशन प्लेट से टकराएगा ये गोल गोल स्ट्रिप बन जाएगी, जिनका एरिया इतना होगा और थिकनेस इतनी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड की वजह से बनती है, सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड की वजह से। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में इतना। अगर हम किसी तरीके से ये जो सॉल्यूशन यहाँ से गिर रहा है इसके अंदर तो अल्कोहल भी है, ये जो सॉल्यूशन यहाँ से गिर रहा है इसके अंदर अल्कोहल भी है और इसके अंदर ऑलिक एसिड भी है। अब ये जो सॉल्यूशन यहाँ से गिर रहा है, अगर मैं किसी तरीके से इसके अंदर अंदर का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसके अंदर जो ऑलिक एसिड मौजूद है उसका वॉल्यूम मैं आपको दे दूँ, उसके वॉल्यूम की वैल्यू मैं आपको दे दूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व। टोटल वॉल्यूम इतना है, ऑलिक एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम आ गया, ये स्ट्रिप का वॉल्यूम, दोनों को बराबर रखा, यहाँ से निकल गई हमारी थिकनेस। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर फिनिश। कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर और साथ में NCERT और NCERT के एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ आई हों और कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।